प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव का कहना है कि पिछले 15 सालों में तत्कालीन सरकार के संरक्षण में नकली खाद बीज का काम किया जा रहा था, अब इसे गंभीरता से ले लिया गया है। जो कार्रवाई हो रही है उसमें भाजपा से जुड़े लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, इसलिए अब विशेष अभियान चलाकर 15 से 30 नवंबर तक अमानक खाद बीज पर रोक लगाने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। 75 की उम्र के बाद 50 की उम्र तय किए जाने के फॉर्मूले पर कहा कि बीजेपी देर से युवाओं को लेकर जागरूक हुई है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा युवाओं को अवसर दिए जाते रहे हैं। इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। केंद्र से आपदा प्रभावित किसानों के लिए राहत राशि नहीं मिलने पर कहा कि प्रदेश में भाजपा के 29 में से 28 सांसद होने के बावजूद केंद्र से राहत राशि लाने के लिए एक भी सांसद ने कदम नहीं उठाया है, यह प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अभी हमने बहुत इनिशियल स्टेजेस में है, हमने यहाँ के जो डीन है उनको हमने इसका प्रस्ताव बनाने के लिए कहा है, और जो प्रस्ताव आएगा उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई। ये कांग्रेस में जो पैर पड़ने की जो परंपरा देखी आ रही है कि कई अधिकारी पैरों में गिर जाते हैं या नेताओं के पैर पकड़ लेते हैं, उसको लेकर कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? हमारी भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति में पैर छूने को गलत नहीं माना जाता। पैर छूना एक सामने वाली व्यक्ति का जो है, अगर उसके मन में आप उसके लिए सामने वाले व्यक्ति के लिए आदर सम्मान, तो जो है पैर छू करके अपने उस उसका अपना आशीर्वाद लेने का काम भी किया जाता है, और अपनी जो वो है उसका इजहार करने का काम भी उसके माध्यम से किया जाता है। हम लोग खुद स्वयं जो है हमारे जो आशीर्वाद आता है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके हम लोग चरण स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद हम लोग समय समय पर लेते हैं। एक बात है कि बीजेपी में एक चीज बड़ी चल रही है कि अब वो 50 के ऊपर के अध्यक्ष भी नहीं बना, तो करीब 35 जिला अध्यक्ष जो प्रदेश के हैं वो बाहर हो जाएंगे, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, उसको कैसे देखेंगे कि जो उम्र को लेकर लोगों को जो है समय समय पर अवसर दिए हैं, अवसर ही दिए उनको जो है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का मौका दिया है, और इसकी शुरुआत हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने उसकी शुरुआत करी थी, और उस परंपरा का जो है कांग्रेस पार्टी जो है लगातार निभाने का काम कर रही है, और मैं स्वयं जो है एक उदाहरण के रूप में आपके सामने उपस्थित। आउट क्यों? शिवराज जी ट्रैक्टर चला रहे हैं, आजकल शिवराज जी ट्रैक्टर चला रहे हैं, वीडियो